ठीक है चौधरी साहब, यकीनी तौर पे आपने उस्मा कारदार साहब को सुन लिया होगा। शो कॉज नोटिस आप अपनी पार्टी में तो दे सकते हैं, किसी और पार्टी के बंदे को शो कॉज नोटिस कैसे भेज सकते हैं, ये सवाल है उनका, जवाब दे दीजिएगा प्लीज। शो कॉज तो वो तो कंटेम्प्ट में वो हो गई है, लाहौर हाई कोर्ट वो कंटेम्प्ट मूव कर दी गई है उन्होंने, वो सेक्रेटरी लोकल बॉडी जो है, लेकिन बड़ा बाकी जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं इनको किसने अख्तियार दिया है उसको रोकने का? लेकिन बड़ा प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बयान दिया है कि अदलिया हमारा कहना नहीं, हमारे साथ नहीं चलती। अब ये बयान जो है ये भी कंटेम्प्ट नहीं हो तो और क्या है? अदालतें इंडिपेंडेंट हैं, अदालतों को फैसले आईन और कानून के मुताबिक करने चाहिए और वो ठीक कर रहे हैं बिल्कुल। आला अदलिया हमारी जो है वो बगैर किसी खौफ व खतर के, बगैर किसी दबाव के इंडिपेंडेंट फैसले फरमा रहे हैं और बड़े बेहतरीन फैसले किए हैं उन्होंने जो किए हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बेहतरीन फैसले किए हैं, लेकिन इससे कबल आपकी आला क़यादत ने कभी फैसले माने नहीं है चौधरी साहब। इससे कबल कभी आपकी आला क़यादत ने अदालतों के फैसलों को रद्द किया है, माना नहीं है। शायद आप माजी में आपको लेके जाना पड़ेगा मुझे, आप भूल रहे हैं चीजें। जी इंशाल्लाह पार्टी हमारी जो है वो इसमें अदालती फैसलों की पाबंद है और अदालतों के फैसलों पर अमल करवाने के लिए पूरी जद्दोजहद करेगी। मैं माजी की बात कर रहा हूँ आपसे चौधरी साहब, आपने जवाब दिया नहीं सही से या फिर आपने मेरे सवाल सुना नहीं है। जी जी, माजी के फैसलों को आपने मेरे ख्याल से कंडेम किया है, आपकी आला की आदत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला की आदत है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं नहीं, किसी फैसले को कंडेम नहीं किया आला अदालत के फैसले को। बाकी छोटी अदालतों के फैसले हैं, नैब के जो फैसले हैं वो अपीलेबल हैं, उसमें अपील में गए हैं।